बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। बानी पीटीआई के वकील जहीर अब्बास ने आखिरी गवाह पर जेरा मुकम्मल कर ली। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया और आखिरी गवाह पर भी जेरा मुकम्मल कर ली गई है। बानी पीटीआई के वकील जहीर अब्बास ने आखिरी गवाह पर आज जेरा मुकम्मल कर ली है। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम पर 21वीं समाअत में जेरा मुकम्मल की गई है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल कल आखिरी गवाह पर अपनी जेरा दोबारा शुरू करेंगे। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा साजिद शेख, हमारे साथ मौजूद है। साजिद, समाअत का अहवाल दीजिएगा। देखिए, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के डेरा जेल में समाअत हुई है और बानी पीटीआई के वकील जहीर अब्बास ने आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली है और रेफरेंस की तफ्तीशी अफिसर मियां उमर नदीम पर 21वीं समाअत में जरा मुकम्मल की गई है और बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज कल आखिरी गवाह पर अपनी जरा दोबारा शुरू करेंगे और रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी की गई थी और उसके बाद फिर वकला सफाई की जानब से केस की आइंदा समाअत 26 सितंबर के बाद मुकर्रर करने की सदा की गई और 21 समातों से केस की तफ्तीशी अफिसर आ रहे हैं मगर जरा मुकम्मल नहीं की गई। नए प्रोसिक्यूटर ने ऐसा कहा और इसके अलावा नए प्रोसिक्यूटर कहना था कि बुशरा बीबी के वकील भी आज ही केस की तफ्तीशी अफिसर पर जरा शुरू करें। अदालत ने वकला सफाई के 26 सितंबर के बाद केस की समाअत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और मुलजमान की जानब से चौधरी जहीर अब्बास और उस्मान रियाज एडवोकेट अदालत में पेश हुए हैं और अमजद परवेज और सरदार मुजफ्फर अब्बासी लीगल टीम के हमरा नैब टीम के जानिब से पेश हुए और रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने अडियाला जेल में की है। जी ठीक है साजिद, आपका शुक्रिया।